नमस्कार, उत्तराखंड तक के एक स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकित शर्मा। आज हम गांधी पार्क में उपस्थित हैं और लोगों के बीच आज हम आए हैं। देहरादून में क्या क्या समस्याएं हैं और कैसे चीज़ों को सुधारा जा सकता है, बात करते हैं यहाँ के स्थानीय लोगों से। सर, आपका नाम और क्या कहते हैं आप देहरादून के बारे में, किस तरीके से यहाँ पर चीज़ें हैं या ऋषिकेश में, देहरादून में कैसे स्थिति सुधर सकती है? देहरादून ऋषिकेश में ट्रैफिक की ज़्यादा समस्या है सर। शाम के टाइम काफ़ी वक्त लग जाता है, एक एक घंटा आने जाने में। तो शासन को चाहिए कि कुछ थोड़ा सा इस पर ध्यान दिया जाए। और हम ऋषिकेश से हैं, हमें ऋषिकेश में कूड़ा घर की बहुत समस्या है। अच्छा। हमें मोदी जी और धामी जी से आग्रह करते हैं कि इसकी समस्या का हल किया जाए, क्योंकि वहाँ हम लोग दुकानदार हैं, हम लोगों का बैठना मुश्किल है, पब्लिक का आना जाना बहुत दुश्वार हो रहा है। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे, कुछ आप सजेशन देना चाहेंगे? जैसे सर ने बताया कि ऋषिकेश में मेन समस्या तो कूड़े घर की है। वहाँ पर किस तरफ ज्यादा कूड़ा है? चुंगी, पुरानी चुंगी हरिद्वार रोड पे जी। बहुत ऊंचे ऊंचे टीले लग गए हैं वहाँ पे तो कूड़े घर के, और आसपास जितने भी मोहल्ले हैं लोग रह रहे हैं उनको बहुत दिक्कत हो रही है। बदबू, स्मेल आती है सुबह सुबह, तो बहुत स्मेल आती है, खिड़कियाँ दरवाजे नहीं खोल पाते। उधर से कोई ऐसा अरेंजमेंट नहीं है? अब कहते तो हैं कि हो रहा है, लेकिन ऐसा अभी कुछ दिख नहीं रहा। और लोगों से बात करते हैं कि क्या समस्याएं हैं यहाँ पर। आप कहाँ से हैं और आपका नाम? मेरा नाम पंकज है, मैं अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट दनिया से हूँ। तो अभी देहरादून में कितने समय से रह रहे हैं? देहरादून में 1-2 महीने हो गए। अच्छा, तो अभी देहरादून में 1-2 महीने हो गए, तो राजधानी में क्या लगता है आपको, क्या चीज़ें यहाँ पर सुधार की ज़रूरत है, क्या समस्या है आसपास? सर, यहाँ ट्रैफिक की दिक्कत है थोड़ा, और जैसे जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ हमारे वहाँ रोड बनी है, तो वहाँ रोड ऐसे कि रोड में गड्ढे गड्ढे हैं, कहीं पर रोड पूरी है, तो वहाँ बहुत ही दिक्कत हमारे वहाँ स्वास्थ्य और रोड की। तो ठीक है, आपका नाम और क्या चीज़ें सुधरनी चाहिए देहरादून में, क्या आप ऐसा देख रहे हैं जो पहले नहीं था और अब हो रहा है और जो लोगों के लिए सही नहीं है, क्या सजेशन देना चाहेंगे सरकार? मेरा नाम भुवन पांडे है, मैं भी अल्मोड़ा से ही बिलोंग करता हूँ। मैं देहरादून से, मतलब देहरादून में 8-9 सालों से रहता हूँ। मतलब यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक की प्रॉब्लम है। अगर हम शाम को अगर क्लॉक टावर से अगर कहीं को निकलते हैं तो 2 घंटे तो मान के ही चलो आप, अगर हम प्रेम नगर चले जाए या उधर ISBT साइड चले जाए तो हमें 2 घंटे पहले निकलना पड़ता है ट्रैफिक की। और हम जैसे आप देख सकते हो, हम करनपुर में मतलब स्टडी करते हैं, तो वहाँ क्या कहते हैं, आप हर जगह देखोगे कूड़ा कचरा, मतलब बहुत गंदगी है। मतलब साफ़ सफाई के नाम पर नगर निगम और नगर परिषद, मतलब नगर निगम तो देहरादून में है पर सफाई के नाम पर बिल्कुल भी यहाँ मतलब साफ़ सफाई नहीं है देहरादून में। और जैसे कि प्रदूषण को लेकर, ट्रैफिक को लेकर आपने बात करी, प्रदूषण को लेकर क्या सोचते हैं, जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ पे पानी की कोई समस्या है या कुछ बताना चाहें? देहरादून में पानी की समस्याएं तो वैसे बहुत हैं, पर यह है कि आप पानी तो वैसे यहाँ साफ तो आता नहीं है, पर यह है कि हम लोग ज़्यादातर RO का या बाहर से कैन खरीद के उसका यूज़ करते हैं ज़्यादातर। अब मतलब सरकार चाहे तो इस पर सुधार कर सकती है, पर अब सरकार, अब यह है कि अब अगले 5 साल तक तो चुनाव होने वाले हैं नहीं, उन्हें पता है तब तक तो उन लोगों ने टालना ही है। जब 4 साल कंप्लीट होंगे उसके बाद वो काम करना शुरू करेंगे, सबसे बड़ी बात तो ये है। ओके, ठीक है, आगे पूछते हैं। मैम, देहरादून में आपको क्या लगता है, वुमेन सिक्योरिटी में कुछ यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ है या पहले से जो महिला सुरक्षा को लेकर चीज़ें सामने आती हैं, या कैसा एनवायरनमेंट आपको यहाँ का लगता है? पहले ज़्यादा ठीक था, बट अभी नहीं है, अभी ज़्यादा मतलब छेड़छाड़ ज़्यादा होती है। अच्छा, तो आपको लगता है मतलब रात में यहाँ पर घूमना अब सेफ नहीं, गर्ल्स के लिए सेफ नहीं है? पहले ज़्यादा सेफ था बट अब सेफ नहीं है। ओके, आप कुछ कहना चाहेंगे मैम यहाँ पे सिक्योरिटी को लेकर, कैसा फील होता है आपको अब देहरादून में, पहले कैसा लगता था और अब कैसा लगता है? सर, बिल्कुल सेफ नहीं है। जैसे पहले कहा जाता था कोई उत्तराखंड सेफ जगह है, लेकिन अब वो ऐसा बिल्कुल नहीं रहा है। यहाँ पे कोई रूल्स नहीं है और लड़कियों के लिए सेफ बिल्कुल नहीं है। तो कुछ ऐसे एरिया आपको लगे जो बिल्कुल भी सेफ नहीं है या अभी भी पहले से बेटर है, आपको अच्छा लगता हो? देहरादून में अब गांव की साइड काफ़ी ज़्यादा केस मिलने लग चुके हैं और वो बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि गांव में भी जहां बोला जाता था कि आपकी सेफ जगह है, वहां पे कोई एक्शन नहीं लिया जाता है महिलाओं के लिए, तो बिल्कुल सही नहीं है। और कोई सजेशन देना चाहेंगे आप सरकार को कि सुधार की इन क्षेत्रों में ज़रूरत है या कोई आपको समस्या आ रही हो? गांव की तरफ सुधार करने की ज़रूरत है, जहाँ पर अभी सालों तक सड़कें नहीं गई है, लोगों को दिक्कत होती है आने जाने में, इसलिए उन्हें देखना चाहिए ताकि कल के दिन कोई मतलब बड़ी मुसीबत आती है तो लोगों को कोई रास्ता मिलता ही नहीं कहीं जाने का। आप स्टूडेंट हैं या जॉब करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। अच्छा, देहरादून में जी। तो यहाँ पर पढ़ाई आप कर रहे हैं, तो कैसा, आप जहाँ रहते हैं वहाँ से कॉलेज में या उस बीच में जो एरिया पड़ता है,
तो उसके लिए क्या कहेंगे आप? ये देहरादून में थोड़ा सड़कों में दिक्कत है, क्योंकि देहरादून जैसे डेवलप शहर है, अब मेन सिटी है उत्तराखंड की, बिल्कुल भी डेवलप नहीं है, सड़कें बिल्कुल सही नहीं है, जगह जगह गड्ढे हैं जो उन्हें देखना चाहिए। मेन मार्केट में ही अगर आपको गड्ढे मिल रहे हैं तो आप बाकी जगह में जाके कोई फ़ायदा है नहीं, कि आप सोच सकते हो कि वहाँ पर कैसा हाल हो चुका होगा उन सड़कों का। ठीक है, आप अपना नाम बताइए और देहरादून में आप कहाँ रहते हैं, क्या समस्या आ रही है? मेरा नाम सुखदेव है और मैं टेरी गढ़वाल से बिलोंग करता हूँ, और अभी मैं अपने सिस्टर के साथ यहाँ दून हॉस्पिटल में आया हूँ। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, जो कि हमारे यहाँ पे हॉस्पिटलों की काफ़ी दिक्कत है टेरी में, और वहाँ पे हमारे जो PPR में मोड में इन्होंने जो हॉस्पिटल दिए हैं उनमें केवल रेफर सेंटर बना रखे हैं बस, और कुछ नहीं है वहाँ पे। जैसे हमारे यहाँ बिलेसुर में है, पिल्की में है, और टेरी डिस्ट्रिक्ट जो हमारा सबसे बड़ा हॉस्पिटल है वहाँ पे भी जो है कि मतलब इस प्रकार की सुविधाएं फैसिलिटीज नहीं है जो यहाँ पे है। तो देहरादून में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर क्या कहेंगे, यहाँ पे काफ़ी परेशानी होती है, क्या आप कहना चाहेंगे? जी, परेशानी तो काफ़ी भी नहीं हुई है, लेकिन ठीक है, वहाँ दून हॉस्पिटल में भी भर्ती है तो वहाँ पे साफ़ सफाई का थोड़ा सा बस जो सिस्टम है वो ठीक नहीं है, बाकी तो इलाज ठीक ही चल रहा है वहाँ पे, और कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे। जो साफ़ सफाई का मेन, जैसे बाथरूम हो गया, लेटरिन हो गया, तो पेशेंट के लिए जो कि बिल्कुल ही अच्छा नहीं है, अगर आप एक बार वहाँ जाके देखोगे तो बुरी हालत है। तो आप ने बताया आप अपनी सिस्टर को वहाँ पर दिखा रहे हैं, तो क्या वो एडमिट है? एडमिट है इस समय ICU में यार, वो जो है कि हार्ट पेशेंट है, उसका वाल जो है कि डॉक्टरों ने चेंज करने के लिए बोला है, तो दिक्कत। तो किस तरीके से देख रहे हैं आप, संतुष्ट हैं डॉक्टरों की सेवाओं से? जी जी बिल्कुल, डॉक्टरों के जो वहाँ पे देखने का हुआ है तो उससे से हम संतुष्ट हैं, क्योंकि ठीक है जो इलाज चल रहा है अभी, उनका काम भी फटाफट हुआ है हमारे वहाँ पे, ऐसी बात नहीं है कि नहीं हुआ है, जैसे कि सरकारियों में पहले था कि जो होता नहीं था, लेकिन अब काफ़ी सुधार आ गया वहाँ पे। आप बताइए देहरादून में कहाँ रहते हैं, क्या समस्या है आपके आसपास के क्षेत्रों में, क्या कहना चाहते हैं देहरादून के बारे में? सर, देहरादून का तो सबसे पहले ट्रैफिक का बहुत बड़ा इशू है, ट्रैफिक में जो है काफ़ी जाम लग जाता है शाम के टाइम पे खास करके, और सुबह के टाइम पे भी। बाकी सर, हम तो टिहरी से बिलोंग करते हैं, हमारे टिहरी गढ़वाल में सर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम्स है वो एजुकेशन एंड मेडिकल्स, मेडिकल के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें हैं, कोई अगर कोई सीरियस पेशेंट है, कोई ऑन द स्पॉट किसी के कहीं एक्सीडेंट में हो गया या किसी भी चीज़ में अगर ऐसी कोई घटना होती है तो एनीवे आसपास कोई भी हॉस्पिटल इस प्रकार से नहीं है कि जहाँ उनको वेंटिलेटर मिल सके या ऑक्सीजन मिल सके डायरेक्टली, या देहरादून श्रीनगर भी उतना खास नहीं है, या देहरादून ऋषिकेश ले जाना पड़ता है। तो देहरादून में आप जॉब करते हैं या पढ़ाई कर रहे हैं? सर, साथ में आए हैं इनके। अच्छा, अभी देहरादून में कितने समय से रह रहे हैं, कितने समय से इलाज चल रहा है? अभी तो सर 5 दिन से इलाज चल रहा है उनका दून हॉस्पिटल में। जी सर, बाकी सर ऊपर जो टेरी का जो हाल है सबसे पहले सर गवर्नमेंट को एक चीज़ का ध्यान देना चाहिए, एजुकेशन एंड मेडिकल्स, शिक्षा और स्वास्थ्य, दो चीज़ें ऐसे है कि आम आदमी से लेकर के और मिडिल क्लास से लेकर के हाई क्लास के मेंबर्स के लिए सबके लिए जरूरी है, कंपलसरी है जी। ये चीज़ें जो गवर्नमेंट को विशेष ध्यान देना चाहिए। जब आप देहरादून आते हैं इलाज के लिए आएँ, चाहे आप शिक्षा के लिए आएँ, तो आप एक उम्मीद से आते हैं कि राजधानी है, यहाँ पर आकर आपको क्या लगता है कि क्या और सुधार की क्या ज़रूरत है, कहाँ कहाँ क्या समस्याएँ हैं उस बारे में बताइए जो आपको लगता हो। सर, सबसे पहले तो यहाँ की मेन समस्या सर ये है कि सड़कें अच्छी होनी चाहिए, राजधानी है तो राजधानी को थोड़ा सा अच्छी तरह से मॉडिफाई होना चाहिए, सड़कें जैसे सड़कें हो गई है और ट्रैफिक का हो गया, काफ़ी चीज़ें हैं सर, जैसे कुछ गवर्नमेंट्स ऑफिसें हैं, जैसे ऑफिशियल ऑफिसें हैं तो उनका भी थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से मेंटेनेंस होना चाहिए, समय पर कुछ चीज़ें होती नहीं है, तो ये चीज़ें सर होनी चाहिए। ठीक है, बात करते हैं और लोगों से। आपका नाम बताइए, देहरादून में आप कहाँ रहते हैं और कितने टाइम से रह रहे हैं, क्या समस्या है? मेरा नाम अनुज बिजलवाण है, मैं बंजारा वाला का रहने वाला हूँ, वैसे बेसिकली मैं टिहरी से हूँ। अच्छा। ज़्यादा जो मेन समस्या मुझे ये लगती है कि जो गलियाँ हैं जब उनके रास्ते तैयार हो जाते हैं तो नगर निगम पहले से ये चीज़ें क्यों नहीं सोचती है कि सीवर लाइन भी बनाए जाए, एक साथ सारी चीज़ें सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाए। वो क्या होता है कि रास्ता बनाए जाते हैं फिर वो उखाड़े जाते हैं फिर उन पर काम होता है, तो लोगों को जो मेन समस्या है वो गलियों में जो रास्ते हैं वो खराब रहते हैं सर। अच्छा, तो बंजारा वाला में आपको इस तरीके की समस्या आ रही है अभी? मैंने देखो, मैं तो बाइक चलाता तो मुझे ये समस्या जो है हर जगह महसूस हुई है, जबकि ये राजधानी है, बोलने के लिए यहाँ तो बड़ी बड़ी सुविधाएं हो सकती थी, लोग अच्छे से अच्छा सोच सकते थे, लेकिन सरकार जो इस पे काम नहीं कर पा रही है। अच्छा, ठीक है, तो सरकार ट्रैफिक पे और सड़कों पे काम नहीं कर पा रही है, ऐसा अभी कुछ लोगों ने हमें बताया। और लोगों से पूछते हैं, आप अपना नाम बताइए, देहरादून में आप कब से रह रहे हैं और क्या समस्या है बताइए। सर, मेरा नाम शिवराज है और मैं पिछले 25 सालों से देहरादून में रह रहा हूँ। अच्छा, यहीं से। अच्छा। और टिहरी से मेरा बिलोंग करता हूँ मैं,
मेरे लिए जो सबसे बड़ी समस्या है देहरादून की नहीं पूरे उत्तराखंड की, वो है यहाँ का रोज़गार। देहरादून में बिल्कुल भी रोज़गार नहीं है, पहाड़ों में बिल्कुल पलायन हो चुका है बहुत अत्यधिक मात्रा में। अगर मैं बात करूँ कि यहाँ से सबसे ज़्यादा पलायन हो रहा है, और अगर मैं बात करूँ देहरादून में रोज़गार बिल्कुल भी नहीं है। मेरे खुद इवन बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो यहाँ से पलायन करके दिल्ली सेटल हुए हैं, सिर्फ 10 से 15-20 हज़ार, उनको भी वहाँ इतना ज़्यादा पैसा नहीं मिल पाता है। अगर यही सुविधा हमें हमारे पहाड़ों में मिल जाए तो मैं कहता हूँ कि पलायन में भी एक कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत रोक लग सकती है, और पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है। टिहरी से जब युवा यहाँ पर आते हैं राजधानी में, तो उसके बाद क्या उनको लगता है कि देहरादून में उनकी समस्या सॉल्व हो जाएगी, या उनको फिर भी यहाँ से भी दिल्ली जाना पड़ता है या दूसरे शहरों में जाना पड़ता है? देखिए, यहाँ से दिल्ली ही जाना पड़ता है उन लोगों को, रीज़न मैं बता देता हूँ। देखिए, एक तो सबसे पहले देहरादून में जॉब नहीं है, ठीक है। अगर देहरादून में कोई बच्चा जो है पहाड़ से आता है, सपोज टिहरी, चमोली, पिथौरागढ़, इतनी दूर दूर से अगर वो यहाँ आता है, यहाँ मामूली से उसे 10,000 रुपये मिलते हैं, ठीक है। इन 10,000 रुपये में वो क्या करेगा? 5,000 तो रूम रेंट दे देगा वो, उसमें फिर 5,000 रुपये बचाएगा तो उसमें क्या बचाएगा? उसमें राशन भी भरना है, पानी भी, राशन, पानी, बिजली, सब कुछ, सब तो ये सारी चीज़ें मैनेज नहीं हो सकती। या तो आप यहाँ पे, जैसे दिल्ली है, दिल्ली एक गुड़गांव में मैं खुद 3 साल रहा हूँ, वहाँ मैंने जॉब किया है, ठीक है। वहाँ पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पे आप देख लीजिए कि वहाँ पे मिनिमम सैलरी जो पैकेज जो दिया जाता है ना, वो भी एटलीस्ट अगर आपकी क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी है तो एटलीस्ट 20 या 25 हज़ार रुपये मैक्सिमम रखा। आप कह रहे हैं कि सैलरी यहाँ पर कम मिलती है और रहना खाना महंगा है? बहुत महंगा है, ठीक है। रहना खाना एक अकेला बंदा मैनेज नहीं कर पाता है। मैं तो एज ए फैमिली के साथ हूँ तो मुझे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता, लेकिन जो बाहर से आते हैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। मेरी नज़र में एक रोज़गार उत्तराखंड का सबसे बड़ा मुद्दा है। पलायन भी तभी रुकेगा जब यहाँ पे रोज़गार होगा, और रोज़गार के लिए जो है कहीं ना कहीं हम लोगों को यहाँ पे एक इंडस्ट्रियल एरिया लगाना चाहिए, या ये कहे कि यहाँ पे एक तरीके से, जिस तरीके से हमारी जो सरकार कह रही है ना कि हम यहाँ पे टूरिस्टों को बढ़ावा दे रहे हैं, बाहर के लोगों को तुम बढ़ावा दे रहे हो, यहाँ के लोगों को तुम कुछ नहीं दे रहे हो, ठीक है। रोप वे लगाए जा रहे हैं बड़े बड़े, अभी देखा होगा आपने सुरकंडा में रोप वे लगाया है, बहुत सारी जगहों पर रोप वे लगाए जा रहा है, ये सिर्फ बाहर के लोगों के लिए लगाए जा रहे हैं। हमारी माताएं बहनें पहाड़ों में चली जाइए आप, ठीक है, उनको पालकी में ले जाना पड़ रहा है हॉस्पिटल तक। अब आप देख लो कि किसको दे रहे हो आप बढ़ावा, हमको तो मिल नहीं रहा बढ़ावा, ठीक है। तो ये थे हमारे साथ देहरादून के स्थानीय लोग जो पहाड़ से भी पलायन करके यहाँ पर आए और रह रहे हैं देहरादून में काफ़ी समय से। उन्होंने हमें बताया कि सड़क, ट्रैफिक, स्वास्थ्य सुविधाएँ और रोज़गार एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और ये पलायन को रोक सकता है। जिस तरीके से बाहर के लिए सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, उसी तरीके से स्थानीय लोगों के लिए भी काम करें। कैमरामैन अनिल बड़ूनी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, हम बाकी के 13 शहरों में जाएंगे और उत्तराखंड तक की टीम जायज़ा लेगी कि वहाँ के लोग क्या कहते हैं। नमस्कार।